जी अब जा रहे हैं हम ऊपर इंटरनेट चेक करने। ऊपर मतलब अभी दिखाता हूँ कहाँ ऊपर। ओह देखो बहुत इसको यहाँ रखने का और ऊपर आने का। यहाँ गया ऊपर मैं, आपको याद है जब मैं पीछे व्लॉग बना था, ये है वो, यहाँ से मैं ऊपर आया हूँ। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब लोग। अब हम पता है क्यों आए ऊपर, एक्चुअली मैं आया हूँ इंटरनेट सर्च करने, और यहाँ से व्यू तो अच्छा है ही। टेम्परेचर पता है कितना है, टेम्परेचर है 5-8 डिग्री टेम्परेचर है। वो लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, मे भी जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको कि यहाँ इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा लेंस गंदा हो रहा है, लेंस साफ कर देता हूँ। एकदम परफेक्ट, आज नहाया अभी तक होनी, क्योंकि आज मेरा मन यही है शाम को सीधे सोना बाथ में बैठेंगे तभी नहाएंगे। अब इंटरनेट यहाँ पर अभी ई आ रहा है, ई क्या होता है यार, ये सिर्फ ई आ रहा है। एक्चुअली यहाँ मैंने सुना है कि बी लाइन का चलता है, बाकी देखो कुछ इंटरनेट मिलता है तो मैं आपको यहाँ के इतने दर्शन करवा देता हूँ। क्या जगह है ये, एक तरह से इनका सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा आज का पूरा दिनचर्या अपनी, कैसे हम अपना आज का टाइम काट रहे हैं। वाह बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। वो लोग सामने आंटी जी अपने उसमें हैं, थोड़ा सा ये यहाँ पे बेड है ही, और यहाँ पर पी जाएगी कि शाम को यहीं पे पार्टी करेंगे मस्त एकदम। अभी मैं ढूंढता हूँ इंटरनेट, और थोड़ी देर बाद अगर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती फिर मैदान में लेके जाऊंगा आपको, देखते हैं आज क्या करते हैं पूरा दिन। कितने आदमी थे एक्चुअली, ये मेरे हाथ फंस गए हैं ये क्या है मुझे खुद नहीं पता, ये किसका है, लेना का है, सीतुस का, ये सीतुस का है। तो सीतुस अंधेरा पड़ रही है, अंधेरा पड़ रही है तो तुम कैमरा में ना, तुम्हें देखना चाहिए ना वो। हाँ अब सही है, अब सही है, तब नहीं बोल सकती थी, मेरी वीडियो खराब कर दी दोबारा। अब सही है, अब सही है, कोई बात नहीं दोबारा नहीं करता हम, एक टेक वाले आदमी है। पापा सात्विक आ गए, तो सात्विक भी आ गया है, तो कितने आदमी फंस गया। लेकिन ये बहुत गर्म है यार, लोमड़ी स्टाइल। और एक और चीज तुमने देखी लेना, ठंड कम है ऊपर, ऊपर हाँ ऊपर ठंड कम है क्योंकि धूप पड़ रही है धीरे धीरे। सो गाइस यही ऐसे ही हम टाइम खोटी करेंगे आज अपना, यही हमें टाइम काटना है ना। सात्विक एंजॉय कर रहा है, मेरे को सात्विक कर अपना ही था बस, हम दोनों एंजॉय सात्विक मुझे कोई लेने देना नहीं है। ओपा दिश दिश सात्विक क्या कर रहा है, चेक कर रहा है सब लोग अपने अपने दांतों पे आ चुके हैं। कुकु व्यू कितना प्यारा है यहाँ सर, हमारे पड़ोसी नहीं आए वो कुत्ते वाले। पर एक और चीज बताऊं गाइस, यहाँ पर सच में ये पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, एकदम गांव जैसा है, जैसे गांव में होते हैं ना, आपके गांव में हर कोई तो जानता है आपको, और सब ना आपसे लाइट नहीं आ रही नमस्ते करते हैं, तो यहाँ पे भी यही है। हमारे यहाँ से 4 दाचे छोड़ के एक आंटी जी थे, भी उन्होंने देख के मेरे को नमस्ते करी जब मैं सुबह बाहर निकला, और पीछे एक दाचे पे कल हमें मिले थे तो वहाँ पे भी उन आंटी जी ने और अंकल जी थे, उन्होंने भी नमस्ते करी यहाँ से देख के, नमस्ते दासी थे। और इस पूरे उसमें मेरे ख्याल से यहाँ पर कितने घर है लिनुस, लगभग कितने हैं ये, तो इमाम का 40 नहीं तुम्हारा 44-46 तो हमारा ही है। मम्मी से पूछो अपनी लगभग कितने तो जितने यहाँ दाचे हैं टोटल ये सब मॉस्को के ही हैं, कुछ लोग मतलब की दाचे तो कोई जगह रहने के लिए तो नहीं। शायद अभी मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कितने स्कूल का 70 के करीब है, 70-75 होंगे, जिसमें टोटल मैं एक अलग अकेला फॉरेनर हूँ और वो भी इंडिया से,
जो मैं यहाँ पे हूँ, मैंने आज तक कभी किसी ने देखा। जब मैं लेना के साथ शुरुआत में आया था सुबह सुबह, मैंने जितने भी मेरे पास यहाँ लोग आए, गेस्ट आए हैं, मेरे कजन ब्रदर चाचा आए थे, तो सबको मैं घुमाता था। पापा आए थे तो सुबह सुबह जब हम घुमाते थे तो सब यूँ देखते थे भाई कौन है, कहाँ से घूम रहे। तो एक बार हम, मैं और लेना और एक कौन था, लेना, मैं और हाँ मेरा कजन ब्रदर आया था, हम लोग घूम रहे थे। तो हमें एक दाचे से पूछते हैं कि तुम कौन से नंबर से हो, तो हमें तो नाम सॉरी हमें नंबर ही नहीं पता था कि हमारे दाचे का नंबर क्या है। फिर लेना ने बताया कि ऐसे ऐसे हम वहाँ से, अच्छा अच्छा समझ गए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हमने अपने ग्रैंड फादर से, ये फादर इन लॉ से पूछा कि भाई ये हमारा ये नंबर क्या है, दाचे का नंबर। तो उन्होंने बताया कि दो हमारे नंबर है, क्योंकि हमारा पूरे स्पेस है ना, पूरा इधर से लेकर एंड तक, तो हमारे दो जगह हैं। हमने कहा चलो ठीक है, अब याद रखेंगे, क्योंकि कोई पकड़ ले तो हमें बताना जरूरी है भाई कहाँ से आए हो तुम, सब कुछ ये क्या ढूंढ रहे हो। ओ ऐसे पजल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पजल है, इसको कैसे लगाना होता है सब कुछ करके। तो हमारा साथ एक बहुत समझदार है, ये सामने पड़ोसी आए हैं कुछ कर रहे हैं, इतना प्यारा व्यू। तो सात्विक की नानी लेना की मम्मी उसको लेना के बचपन के टॉयज दिखा रही है, सॉफ्ट टॉयज। ओ सात्विक तो बहुत खुश हो गया, ओहो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं। पिकाचू पिकाचू पकाजी पिकाचू पिकाचू बहुत पिकाचू, मेरे को बड़ा मजा आता है, सच में बहुत फेवरेट है मेरा भी पिकाचू। ये तो बैग है सुमात्री, открой там что то есть нет открывай там нет там он раньше говорил ну да пока открывай о о उसमें बैटरी है, इसको चलाएंगे चलाएंगे पच्ची नहीं इतना था। ये भी अलग मजा आया था। ओ सितुस का इग्रूस का देख लो सितुस का सितुस ऐते स्तो था हां ऐते ग्रिप ग्रिपोक यदि छते ग्रिपोक दा तुम फॉर्म और कतरी नहीं पेगी दा कौन से होते अत्रेजते वो गो सुमात्री स्कूल का सातवीं के ग्रूस की माय गॉड। तो ये है यहां से उतरने की टेक्निक, देर नहीं बंद करते, अभी आ गए हम बाहर, चेक करते हैं। एक्चुअली हम वो लगा रहे हैं जो डोर टाइप का है ना, जैसा वो, ओहो ईशो अधीन वो तार्क। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे। या दूमे वो देते मंगल ना तो बोला इस जी सिले की देता पछतावित। Так, а потом сейчас. Не, потом... вытащи сначала, вытащи. Нет, надо ровно, да. Ровно да, надо. Да. Ну где-то вот так на начало. Ну, приблизительно так, да. Сейчас вот он как-то подожди, не совсем. Вертикально. Сасур джи ке кене пе мэ супер тайяр хо чука ху, лекин унка кена е хай ки бета сабсе мейн хай пэр. Ки пэр аапке гиле не хоне чахие аур гарам рехне чахие, тханде не хоне чахие. तो मैंने कहा ओके ससुर जी, तो ससुर जी ने मेरे लिए स्पेशल जूते रखे हैं, वो है ये देख रहे हो, ये स्पेशल बारिश में मिट्टी में कहीं भी काम करो स्पेशल, इसके अंदर ना सूखे वो लगाए, पतावा पतावा बोलते हैं ना उसको, आई डोंट नो कि आप लोग क्या बोलते हो, वो लगाए स्पेशल मेरे लिए है। ऐसा दामाद की पूरी सेवा, पूरा सब कुछ पूछते हैं मेरे से, ये देख लो यहाँ जो हमने लगाया था ना, ये सब कुछ पूछा गया है मुझसे कि ये कहाँ लगाना है, ये कहाँ लगाना है। और दूसरा बारिश हो रही है एक्चुअली, मैं बता दूँ आपको। और दूसरा ये जो है जिसमें वो जलाते हैं, शाश्लिक बनाते हैं बारबेक्यू, वो यहाँ रखा है, लेकिन अभी मैंने उनको सजेशन दिया है कि यहाँ नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे हम इधर करीब यहाँ पर कहीं, है ना, और इसको भी चेंज करेंगे, और ये भी टेबल इधर आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ टॉयलेट है, तो इसके लिए हमने ये जो लगाया है ना, इसके ऊपर हम अंगूर की बेल लगा देंगे, जिससे ये ढक जाएगा, ये लकड़ी काटने का, ये सुपर हो जाएगा। और मैं नया मंगाल खरीदने वाला हूँ, मंगाल बोलते हैं जिसके अंदर हम बारबेक्यू बनाते हैं, और इतना प्यारा लग रहा है ना, मौसम बहुत सेक्सी है सच में। ओए हाय, इसके अंदर चलते हैं, चलो इसके अंदर लेके चलता हूँ मैं तुम्हें। इसके अंदर वो सब्जियाँ हैं जिसको चाहिए, ये गर्मी नमी, आहा आवाज़ आ रही है बारिश की। अब इसके अंदर मुझे देखो सब्जी की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ शिमला मिर्च होगा, यहाँ टमाटर होगा, और क्या होगा, ये लंबी वाली और मिर्ची होगी, वो और पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है ना, ये कहानी है यहाँ की। और ये जो है ना, नया खरीदा है अभी पुराना,
जिससे पानी ना जाए अंदर। चलो बाहर भैया रे। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये, फिर ये लहसुन प्याज अटरम सटरम पता नहीं क्या क्या है भाई। हाला किसान होना बहुत गर्व की बात है यार, अगर हम किसान होते तो मुझे सब कुछ पता होता, बट क्या करें। लेकिन हाँ ये चीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, नहीं कि ये सब चीज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है, आनंद है उसमें। और यहाँ पे चेरी के पेड़ हैं, चेरी के पेड़ धीरे धीरे उग रहे हैं। जो अंगूर की बेल यहाँ पे लगी हुई है ना, ये अंगूर की बेल वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये कहानी है। बाकी सात्विक ऊपर है, चलते हैं ऊपर, पीछे की तरफ चलते हैं। लास्ट से लास्ट कभी एक व्लॉग था जिसके अंदर मैं अपने दाचे पर जब दिखाया था मैंने, जब मैं अपने ससुर जी के साथ आया था, तो एक चीज़ नहीं दिखाई थी, टॉयलेट, कि यहाँ टॉयलेट कैसा होता है। तो आपको वो टॉयलेट दिखा देता हूँ कि यहाँ टॉयलेट कैसा होता है। ये वो टॉयलेट है, ठीक है। अब देखो कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप लोग कहोगे यार साला टॉयलेट कौन दिखाता है, लेकिन फिर भी एक किसी को तो इंटरेस्टिंग होगा। ये टॉयलेट होता है, देख रहे हो, इसके अंदर बहुत नीचे गड्ढा खदा गया है और उसके ऊपर ये बना गया है, उस पर बैठो और हल्के हो लो भाई साहब। दुनिया के सबसे ज़्यादा मज़े तो इसी जगह आते हैं, दिमाग भी वहीं चलता है और जन्नत वहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये जूते पहन के बड़ा जी लगा, चला नहीं जा रहा उनसे। तो जी आज का रात, आज का दिन, आज का रात बोलने वाला था, आज के दिन जो जा रहा है अभी तक इतना स्लो जा रहा है आप विश्वास नहीं करेंगे। अभी सिर्फ टाइम हुआ है 6 बजे हैं और हम लोगों ने ऐसा लग रहा है कि आज पूरा टाइम काट लिया, बहुत कुछ कर लिया। 2 बजे तक तो हमें कुछ लग ही नहीं रहा था, क्योंकि आज एक तो जल्दी उठ गए नॉर्मल टाइम के हिसाब से जैसे मॉस्को में उठते थे, और अभी सिर्फ 6 बजे हैं। दोपहर में सब कुछ कर लिया, सो लिया, अभी सो के उठे हैं। सात्विक अभी सो रहा है, लेना अंदर कॉफ़ी पी रही है, साथ में कुछ केक वगैरह कुछ खा रही है। मैंने कहा मैं बाहर खाऊंगा, क्योंकि गनीमत है कि अब बारिश रुक गई है, अब पता नहीं रात में होगी कब होगी, यहाँ तो मौसम कभी भी बदल जाता है। मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, आप लोगों के साथ बात करते हैं। और कॉफ़ी भी लेना की कंपनी की है, शायद अगर आप लोग नहीं जानते तो लेना जिस कॉफ़ी कंपनी में काम करती है, मॉस्को की, रशिया की बहुत बड़ी कॉफ़ी कंपनी है, और उनकी कॉफ़ी स्पेस तक जाती है। जो लोग स्पेस में काम करते हैं, वो जो वहीं घूमते रहते हैं ना एस्ट्रोनॉट जो हैं, वो लोग यही इसी कंपनी की कॉफ़ी पीते हैं। और लेना ने बताया कि उनके लिए जो कॉफ़ी जाती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वहाँ शायद वो नहीं है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या नहीं है, समझ जाओ यार, वो नहीं है। तो ये है कहानी। तो वही कॉफ़ी है, इसकी मम्मी भी मैं भी सब उसी की कंपनी की पीते हैं, सस्ती मिलती है, अच्छी मिलती है, फ्रेश मिलती है। ये 3-in-1 मंगा रखी है, जो 3-in-1 कॉफ़ी होती है, सीधे बस डालो पानी डालो और पियो बस। हाँ अभी अभी हमारे यहाँ वो जलाएंगे जो घर में गर्मी करने का था। अभी मेरे ससुर जी पूछ रहे थे कि बारबेक्यू का क्या इंतजाम है भाई, कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, बारबेक्यू के लिए तो हमने मैरिनेट ही नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली हम कोई थे नहीं ना, ज़्यादा लोग नहीं है ना, स्वितु है मेरी, साली नहीं है ना, सूर्या है इस बार, तो कोई थोड़ा कंपनी हो तो मज़ा आता है। लेना की मौसी भी नहीं है तो उसका एक अलग ही मज़ा है। ये जल रही है और ये जल के पूरे घर में आग गर्मी करेगी अब, मस्त एकदम, और कितनी तेज जल रही देख रहे हो, और शीशा भी एकदम साफ है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। Дымоход идет через второй этаж и выходит на крышу. पहले जा रहा है वो सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से फिर छत से फिर वो धुआं निकल रहा है, वो दिखाऊंगा कहाँ से निकल रहा है धुआं। बस सही है, बस इतनी ही। आज हमें गाड़ी चलानी थी, क्योंकि अभी हमें गाड़ी को साफ करना है अंदर, सारे जो मैंने आपको बताया था ना, क्या कहते हैं इनको, पायदान, पायदान साफ करने सारे। देखो यार
बहुत वैसे तो गाड़ी खस्ता ही होगी, ससुर जी बदल ले तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। ससुर जी गाड़ी दिखा दो कैसी है, माजदा। लेकिन भाई साहब जो चीज़ की केयर करने वाला इंसान मैंने बस इनको देखा है अपनी लाइफ में, कि चीज़ की केयर कैसे की जाती है, सिर्फ गाड़ी नहीं कुछ भी चीज़ हो अगर वो एक चीज़ की केयर कर रहे हैं कितनी तबीयत से करते हैं। मेरे ख्याल से गाड़ी को भी 6-7 साल हो गए है ना। हाँ शायद है ना। अब बताओ, और आप भी अगर इसमें बैठ जाओ ना आपको एक जरा से धूल का कण नहीं दिखेगा, ऐसी चकाचक अंदर से लो व्यवहार दे लो, और दूर ही दूर से देखो बस भाई साहब उसके पास भी नहीं छू। हाँ चलो फिर अब तैयारी करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं। और आज लोग कभी ये बोले कि लेना क्यों नहीं आई बिल्कुल भी सामने। बीमार हूँ। बीमार हूँ क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज जुकाम, जुकाम हुआ होठ को जुकाम हो गया। बताओ ये नए लोग हैं इनको होठ पे जुकाम हो जाता है। और एक और चीज देखो यहाँ पे वीडियो सिर्फ बनाने का ही अलग मजा है कि इतना प्यारा व्यू आ जाता है, ग्रीनरी और ये सब ना आपको वीडियो देखने में है आत्म तृप्त हो जाती है। चलो काम करे जाके पायदान साफ करो। ये देखो मैडम को कितने सीत खा रहे हैं, ये हाल है इनका बताओ। इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी ठंड लग रही है कि यहाँ ये ऐसे हो रहे हैं, हम देखो हम ऐसे ही हैं बस। अच्छा तो ये मास्टर साहब हमें कुछ सिखा रहे हैं, इनकी सुन लो। दासाती क्या कह रहे थे तुम? मामा तो सब कूद के। ये देखो दोनों ऐसे हो रहे हैं भाषा जैसे यहाँ बर्फ पड़ने वाली हो। अबे रफ एंड टफ बनो, रफ एंड टफ दासाती रफंट। अरे मेरे को एक चीज यहाँ पे, तुमने एक चीज नोटिस करी क्या? हम कल से आए हुए ना यहाँ पे। हाँ कल से आए हुए, लेकिन यहाँ रहते हुए हमें एक चीज अच्छा लगा कि यहाँ पे कोरोना नाम का कोई वो नहीं है। इसके पापा भी बोल रहे थे कि मॉस्को में ना कोरोना 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 वही चल रहा है साला, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सब देखो अड़ोस पड़ोस में सब अपने लोग काम कर रहे हैं, सामने अपने लोग आए हुए हैं काम कर रहे हैं, तो ऐसी वो नहीं है कि कोई इंडिया जैसे मॉस्को में या फिर वहाँ पे था ना कि पास में आती डर के भाग जाना इधर उधर, क्या टेंशन फ्री मस्त एकदम। सात्विक इंजॉय कर रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अभी गाड़ी पूरी धो दी है मैंने, अंदर से लेकर पायदान से लेकर पूरी चकाचक कर दी है मैंने। सात्विक क्या बता रहे थे तुम पकाशी? बहुत कुछ दिखा रहे थे सात्विक महाराज। सीतो चकदा ये स्ट्रॉबेरी है ना इसके अंदर, ये हर बार नए पौधे निकलते हैं स्ट्रॉबेरी के। उधर है अबे स्ट्रॉबेरी यहाँ लगती है हमेशा। नो यस, वहाँ है स्ट्रॉबेरी क्योंकि ये कुछ और है, कबच की मतलब स्ट्रॉबेरी ये वो घिया वो सामने अंगूर, अंगूर अब वहाँ लगा दिया है तेरे पापा ने। सो जी ये रहा अपना दाचा, कैसा लगा आपको दाचा? अब यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, वीडियो को आज एंड कर देते हैं ठीक है। सात्विक पहले बोलो लाइक, लाइक तो करवा दो, नहीं करवाना है लाइक और सब्सक्राइब बोल दो, ये नहीं कर सकते तो बोलना पड़ेगा। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? वैसे तो अभी आगे है लाइफ, बल्कि पूरा दिन क्या करेंगे अब, आप वही आगे बस नहाएंगे धोएंगे कुछ खाएंगे बियर वियर पियेंगे है ना भाई। गाड़ी वाड़ी साफ हो गई मैंने, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग ना खिंच जाए इससे अच्छा है अपना। लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और मेरे अपोजिट में भी बड़े प्यारे प्यारे कलर के हैं, पिंक कलर ब्लू कलर है ना देखो, और ये देखो ये पिंक ये ब्लू और ये वाला एक दाचा बिक रहा है, उसमें नंबर भी लिख रखा है उन लोगों ने, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। और बाकी आप देख रहे हो कितना प्यारा, वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हाँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, वो तो बोला नहीं तुम्हें हाँ। बस प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं चलता क्योंकि वो नहीं है ना हमारे पास, इंटरनेट नहीं है। आगे देखते हैं, अभी रिक्की भैया से बात होगी तो उनसे पूछूंगा मैं, उन्होंने जो अपने लिए कौन सा डोंगल लिया था, क्या लिया था इंटरनेट का। सो नेक्स्ट टाइम फिर इंटरनेट लगाएंगे ठीक है, तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में दसवीं दानिया।